और विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। जापान द्वारा यूक्रेन को मदद दिए जाने पर रूस ने जापान को कड़ी चेतावनी दी है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के हेड दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि वो जापान मदद कर वॉर में घुस रहा है। मेदवेदेव ने कहा जापान रूस से दुश्मनी न ले। मॉस्को ने नाटो के साथ सीधे टकराव की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र में मॉस्को के डिप्टी एनवॉय दिमित्री पॉलिसिवी ने कहा कि यूक्रेन में सैन्य टकराव चरम तक पहुंच गया है जो अब रूस और नाटो के बीच संघर्ष में बदल सकता है। इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। ताइवान को लेकर चीन ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ताइवान को अमेरिकी सैन्य मदद दिए जाने पर चीन भड़का हुआ है। चीन ने कहा ताइवान हमारा आंतरिक मामला है जिसमें कोई विदेशी दखल स्वीकार नहीं है। अमेरिका लगातार रेड लाइन क्रॉस कर रहा है जिसका परिणाम घातक हो सकता है। पोलैंड ने यूक्रेनी रिफ्यूजी सेंटर को बंद कर दिया है। पोलैंड के माजोविया इलाके में था यूक्रेनी रिफ्यूजी सेंटर। पोलैंड के इस फैसले के बाद यूक्रेनी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जंग में यूक्रेन पर खर्च किए गए फंड का अमेरिका को पूरा रिटर्न मिल चुका है। यूएस सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने दावा किया है कि यूक्रेन जंग की वजह से रूस की मिलिट्री क्षमता आधी हो गई है। रिचर्ड ने यह भी दावा किया कि नाटो की एकजुटता की वजह से आज ताइवान मसले पर चीन बैकफुट पर है। यूक्रेन को सैन्य मदद से अमेरिका में हथियारों की कमी हो रही है। यूएस के पास स्ट्रिंगर और जैवलिन जैसे हथियारों की काफी कमी है। अमेरिकी वेपन इंडस्ट्री के लिए हथियारों के स्तर को बनाए रखना बेहद मुश्किल है। अमेरिकी सैन्य भंडार को भरने में कई साल लग सकते हैं। वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं के बीच जेलेंस्की ने पुतिन से क्रीमिया छोड़ने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा कि हम चाहते हैं कि रूसी सैनिक बिना दबाव के क्रीमिया को छोड़ दें। पुतिन जल्द से जल्द क्रीमिया को कीव के हवाले कर दें। इसराइल के तेल अवीव में इरिट्रिया डे के मौके पर सरकार के समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों गुटों के बीच हुई झड़प को कंट्रोल करने के लिए इसराइल पुलिस ने स्टेनर ग्रेनेड दागे। पुलिस की कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नाइजर में फ्रांस के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो, माली और नाइजर फ्रांस के वजह से अस्तित्व में हैं। इन देशों से फ्रांस के सेना को हटाना असंभव है।